देखो पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, पॉलिटी बेसिकली है क्या? कोई भी कंट्री होता है उसको रन करने का जो प्रोसीजर है, जैसे इंडिया में आप देखते हो प्राइम मिनिस्टर लीड करता है कंट्री, एक प्रेसिडेंट भी होता है, लेकिन मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। जनता किसको डायरेक्टली चुनती है? प्राइम मिनिस्टर को चुनती है। लेकिन अदर कंट्रीज में आप जाओ, जैसे अमेरिका, उनके यहाँ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, उनका गवर्नेंस अलग होता है। फिर किसी और कंट्री में जाओ सर आप, लाइक मान लो किसी गल्फ कंट्री में चले जाओ, वहां पर आपको किंग देखने को मिलेंगे। तो हर एक कंट्री में जो गवर्न करने का मॉडल है वो अलग अलग होता है हर एक कंट्री का। अब वो जितना भी मॉडल है उसके लिए कोई ना कोई कानून बना होगा, कोई ना कोई प्रोसीजर बना होगा, ठीक है? तो हर एक कंट्री का जो रूल ऑफ गवर्नेंस है, जो तरीका है गवर्न करने का, उसी को उस कंट्री की क्या कहते हैं? पॉलिटी कहते हैं, ठीक है? दैट इज पॉलिटी। तो यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, हम पॉलिटी की बात करेंगे, ठीक है? पॉलिटिक्स अलग हो जाती है कि वो एमएलए को कैसे अपने साथ मिलाए, वो एमपी को कैसे मिलाए, ठीक है, वो वाला इलेक्शन कैसे जीते हैं, वहां पर सीट कैसे निकाले, तो वो सारी चीज पॉलिटिक्स है। ये जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, दैट इज योर पॉलिटी, इसको ध्यान रखिए। अब पॉलिटी में अगर हम बात करें, ये जितनी भी पॉलिटी है, जितना भी गवर्न हो रहा है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, स्टेट में सीएम होगा, उसके भी हर 5 साल में इलेक्शन होंगे, स्टेट असेंबली होगी, पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, तो ये सारी चीजें, जितनी भी हमारी रूल ऑफ गवर्नेंस है, जितना भी गवर्नेंस करने का तरीका, ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा सर। तो जहां पर ये सारी चीजें लिखी हैं वो एक किताब है सर, ठीक है? ये सारी चीजें जहां से डिराइव्ड है, जहां से ये रूल चलता है, वो एक बुक है, और उस बुक का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? वो किताब का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, तो जो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं वो ऐसा कुछ ना सोचे उनका कुछ छूट गया है, वो बिंदास आज से ही शुरू करें, जो कुछ पहले हुआ है वो दोबारा फिर रिपीट होगा, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहलाता है आपका। अब चलिए सर, ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या लिखा है सर, ठीक है? तो ये जो पूरा पॉलिटी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ही पढ़ोगे, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मेनली आप उसी की बात करोगे इंडियन पॉलिटी में, है ना? और उसी से सवाल आपके बनते भी हैं। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चलो समझ में आ गया, एक किताब है जहां से पूरा हमारा रूल ऑफ गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है। ये किताब आई कहाँ से सर, कब से लागू है, इसको कैसे बनाया गया, ठीक है? तो जो हमारा पहला पार्ट है, दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो पहला पार्ट है कि ये संविधान बना कैसा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? न्यायम जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो पुराने बच्चे हैं उनका ज्योग्राफी का जो बचा है वो दोबारा अभी चलेगा, प्लस साथ ही साथ जो आपका बचा पोर्शन है उसका रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए सर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना कैसे सर? ये सर आजादी के बाद की ही सर बेसिकली कहानी है। 1947 में हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिली। 1947 से पहले ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने रूल्स बनाते थे, कानून बनाते थे, उसके हिसाब से रूल करते थे। कोई संविधान नहीं था, कोई किताब नहीं था जिसके बेसिस पे सारे कानून बनाए जाएं। फिर 1934 में इस तरह की आवाजें उठने लगी कि भाई एक किताब होनी चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कानून बनने चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस असेंबली को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो असेंबली का काम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। तो 1934 में कहा जाता है एम एन रॉय ने डिमांड स्टार्ट करी फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? सीपीआई के नेता थे एम एन रॉय, तो वहां से 1934 में आपका डिमांड स्टार्ट होती है फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 1946 में आप देखोगे एक कैबिनेट मिशन प्लान आता है इंडिया में,
अब ये 1946 का टाइम वो टाइम है जब आपका अभी अभी हमें नई आजादी मिली है, 1940 सॉरी अभी 1946 में आजादी मिलने वाली है। तो 1946 में आप देखोगे वर्ल्ड वॉर टू की सिचुएशन भी क्रिएट थी, ब्रिटिशर्स को हमारे सपोर्ट की जरूरत थी, हम उनसे कंटिन्यूअस आजादी मांग रहे थे, वो हमें आजादी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, क्रिप्स मिशन प्लान आता है वो भी फेल हो जाता है, फिर उसके बाद फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान आता है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। कैबिनेट मिशन प्लान बोले तो इसमें तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ब्रिटेन के, ठीक है, लॉरेंस, एलेक्सेंडर और आपका क्रिप। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान में तीन मेंबर्स थे आपका, लॉरेंस, एलेक्सेंडर एंड क्रिप्स। तो इनको ऐसे याद रख सकते हो सर, LAC। ठीक है, पूछ लेता कभी कभी कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर्स थे, कौन थे, तीन मेंबर्स थे, लॉरेंस, एलेक्सेंडर, क्रिप्स। वो आते हैं कहते हैं ठीक है, ईश्वर ने आपकी कामना सुन ली, अब आप क्या करो, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू मतलब अब आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हो। ठीक है, तो यानी संविधान बनाने के लिए क्या चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की जो परमिशन है वो हमें कहाँ से मिली, कैबिनेट मिशन प्लान से बनी मिली। ठीक है, तो यहां से अब ये डिसाइड हो गया कि हाँ हमारा देश जल्द ही आजाद हो जाएगा। तो अराउंड सितंबर 1946 की ये बात थी, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आता है, उसके बाद से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन प्लान आया, 1946 में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ठीक देखिए, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तो करंट अफेयर्स में मैं ये सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती, वहां कराता ही हूँ, और उसके अलावा भी आपका एक वर्ल्ड पॉलिटी का पार्ट है। ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे आप चले आओगे, वहां पर मैंने कराया हुआ है ना, वहां से आप कर सकते हो, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका। चलिए, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की मंजूरी दे दी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है। तो अगला जो पार्ट है वो हम देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, कब इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई, यानी कि मोटा माटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं वो हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि कितने मेंबर्स होंगे सर, 389 मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इट वाज 389। इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 389 थी। अब इसका भी एक डिवीजन था सर, डिवीजन ऐसे समझो, डिवीजन कुछ ऐसा था सर कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1946 1947 के टाइम पे, अगर आप इंडिया को देखोगे तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था, मतलब दो तरह के आपको एरिया इंडिया में दिखाई देते थे। एक वो एरिया थे, ठीक है, जहां पे ब्रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल करता था, जैसे आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस जिसे आज यूपी कहते हैं, ठीक है, आपका बंगाल हो गया, ठीक है, आपका बॉम्बे हो गया, आपका मद्रास हो गया, सेंट्रल प्रोविंसेस आपका जैसे जिसे आज मध्य प्रदेश कहते हैं, तो ये एरिया ऐसे थे जहां पर ब्रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल करता था, उनकी सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता था, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यही टेरिटरी क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी आपकी ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यही टेरिटरी आपकी क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी ब्रिटिश इंडिया। और एक और टाइप की टेरिटरी थी, जैसे आपका कश्मीर था, ठीक है, आपका इधर जूनागढ़ था, इधर आपका ट्रावणकोर था, इधर आपका हैदराबाद था, तो ये सब एरियाज कैसे थे, ये सब ऑटोनॉमस एरियाज थे,
यहाँ पर इनका एक रूलर होता था, जैसे हैदराबाद में निजाम होते थे, जूनागढ़ में नवाब होते थे, कश्मीर में राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते थे, राजा महाराजा टाइप के चलते थे, तो उन्हीं की फैमिली के लोग आते रहते थे, तो इनके पास ऑटोनॉमी थी। हालांकि थे तो ये भी ब्रिटेन के कंट्रोल में, लेकिन इनके पास इंटरनल मैटर्स में ऑटोनॉमी थी। इनके इंटरनल मैटर्स ब्रिटेन नहीं देखता था, इनके इंटरनल मैटर्स ये लोग खुद देखते थे। बस इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और इनकी जो मिलिट्री है, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटेन कंट्रोल करता था। तो इनको क्या कहते थे सर, प्रिंसली स्टेट्स। बट थे ये भी अंडर द क्राउन ऑफ ब्रिटेन, थे ये भी ब्रिटेन के क्राउन के अंडर, ठीक है। बट ये दो तरह के आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, एक टाइप था ब्रिटिश इंडिया, एक टाइप था प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपकी बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, 389। अब इस 389 में से जो 296 थे वो ब्रिटिश इंडिया वाले पार्ट से थे, और 93 कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट्स से थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो थोड़ा सा डिटेल में जाके मैंने इसको बता दिया है। ब्रिटिश इंडिया के आपका 296 मेंबर्स से, प्रिंसली स्टेट्स के 93 मेंबर्स से, ठीक है। तो इनको मिला के टोटल कितना हो गया, 389 मेंबर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है कि ऐसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है। हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। इंडियन पॉलिटी का पीडीएफ ऐप में अपलोड हो जाएगा, जितने भी आपके लेक्चर्स होते जाएंगे जीके में, वो सब आपका उसका जो पीडीएफ है वो ऐप में आपको मिलता जाएगा, ठीक है। इसकी जो प्रैक्टिस क्विजेज है वो भी ऐप में मिलती जाएंगे, इसके जो वीकली टेस्ट होंगे वो भी ऐप में मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमेशा ध्यान रखना सर आप कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, ठीक है, 389, और उसमें से 296 कहाँ से थे, ब्रिटिश इंडिया से थे, एंड आपका 93 कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट्स से थे, ठीक है। अब ये जो आपके 296 हैं ब्रिटिश इंडिया से, अब ब्रिटिश इंडिया में भी दो तरह के एरिया होते थे। एक तो एरिया होते थे जहां पर सर इलेक्शंस होते थे, जो जहां पर गवर्नर होता था, ठीक है। एक एरिया ऐसे होते थे जहाँ चीफ कमिश्नर, जिनको चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहते थे, ठीक है। उसकी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मतलब ऐसे समझ लो जैसे आज स्टेट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे टेरिटरीज हैं जो स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, यूपी है, बिहार है, यहाँ पर क्या होता है, सीएम होता है, वो रूल करता है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करती है, जैसे आपका चंडीगढ़ है ना, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दमन दीव, दादरा नगर हवेली है, ठीक है, लद्दाख है। तो ये एरियाज कैसे, ये यूनियन टेरिटरी है जहां पे यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसी तरह से ब्रिटिश इंडिया में भी मेजोरिटी एरिया तो आपका मतलब उनका एक गवर्नर होता था, वो प्रोविंसेस होते थे, ठीक है। मेजोरिटी एरिया जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइड होता था, बट कुछ एरिया ऐसे थे जिसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहते थे, जहां पर एक चीफ कमिश्नर होता था और वो डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करता था, उस टाइम का जो वाइस रॉय होता था, ठीक है। तो इसमें से जो 296 में से 292 सीट्स थी ये कहाँ से थी, जो प्रोविंसेस थी वहां से आई थी, 11 प्रोविंसेस होती थी उस टाइम, और 4 सीटें कहाँ से आई थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आई, ठीक है। तो 296 का ये फर्दर डिवीजन है, यानी टोटल 389 सीट्स थी, 389 में से 296 आपका ब्रिटिश इंडिया वाले एरिया से, और 93 आपका प्रिंसली स्टेट वाले एरिया से। अब इस 296 में भी आपका 292 प्रोविंसेस वाला एरिया और जो 4 सीट है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस वाला एरिया, ठीक है। तो ये बेसिक आपका डिवीजन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दैट वाज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, दैट क्लियर? हाँ जी सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ जी सर, सब चंगा सी।
ऑलराइट अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स होंगे, हमने उसकी बात कर ली। अब उसका काम कब से शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ आप कोई भी कमेटी बनाओ, ठीक है, छोटी से छोटी कमेटी बनाओ, छोटी से छोटी यूनियन बनाओ, असेंबली बनाओ, उसका एक लीडर होना तो सर जरूरी है। ये सुनो, समझ रहे होगे आप लोग, तो जैसे स्टूडेंट यूनियन बनती है तो उसमें भी प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी होते हैं। इसी तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, इसके भी प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका कौन प्रेसिडेंट बना, कौन वाइस प्रेसिडेंट बना और किस तरह से वो बन रहे हैं। तो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखो, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद उनमें से एक पर्सन को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स थे वो इलेक्ट करेंगे एक पर्सन को, ठीक है। उनमें से कुछ जो भी लोग मतलब चाह रहे होंगे कि हाँ हमें प्रेसिडेंट बनना, वो दो चार लोग खड़े हो जाएंगे उन्हीं में से। जैसे आज स्पीकर के इलेक्शन होते हैं लोकसभा में, तो उन्हीं में से एक को जिसके पास मेजोरिटी वोट आएगा उसको क्या बना दिया जाएगा, प्रेसिडेंट। लेकिन पहले दिन ही थोड़ी ना सर आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही आपकी असेंबली बनेगी तो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए भी तो असेंबली का कोई लीडर होना चाहिए। तो शुरू के कुछ दिन के लिए टेम्परेरी एक प्रेसिडेंट बना दिया गया था। जैसे आज अगर आप देखोगे, जब लोकसभा नई बनती है तो नया स्पीकर के इलेक्शन होने से पहले टेम्परेरी तौर के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ठीक है। फिर वो सारे मेंबर्स को ओथ दिला देता है, स्पीकर के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और जैसे ही स्पीकर इलेक्ट होता है वो गद्दी छोड़ देता है, नया स्पीकर जो भी इलेक्ट होगा वो बैठेगा। ऐसे यहाँ पर है सर, तो टेम्परेरी तौर के लिए एक दो दिन के लिए आपका जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा, ठीक है, 2 दिन के लिए बनाए गए थे। जनरली जो सबसे बुजुर्ग पर्सन होते हैं उनको बना दिया जाता है, ये कन्वेंशन चलता हुआ आया है। तो उस टाइम के जो सच्चिदानंदा सिन्हा जी हैं वो सबसे एल्डेस्ट मेंबर थे, इसीलिए उनको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट। बाद में 2 दिन बाद इलेक्शन हुए तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन रहे हैं अभी, ठीक है। ये मत कहना कि सर वो तो इंडिया के प्रेसिडेंट थे, हाँ जी वो इंडिया के भी प्रेसिडेंट बनेंगे आगे चल के, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वो क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस दिन हुई थी, ये दिन ध्यान रखना, दिसंबर 9, 1946। ये क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग किस दिन हुई थी, 9 दिसंबर 1946। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे सर, एचसी मुखर्जी। तो एचसी मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। चलिए सर, तो ये बन गई आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी तक हमने बात कर ली 389 मेंबर्स थे, उसके बाद पहली मीटिंग हो रही है 9 दिसंबर 1946, प्रेसिडेंट बन रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वाइस प्रेसिडेंट बन रहे हैं आपका एससी मुखर्जी। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम स्टार्ट होगा, ठीक है। और इनका काम क्या है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, ठीक है। बट आगे बढ़ूं उससे पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है सर यहाँ तक, आगे बढ़े उससे पहले बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। हाँ जी सर, बढ़े फिर आगे। ऑलराइट, अब देखो संविधान लिखा जा रहा है सर, ठीक है। अब संविधान लिखा जा रहा है, लेकिन सबसे पहला सवाल आता है सर, लिखना क्या है संविधान में, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। हम जो जो उसमें आगे सर बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, लेकिन लिखोगे क्या, कोई एक डायरेक्शन होना चाहिए ना, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि संविधान क्यों बनाना है, पर्पस क्या है सर संविधान का। तो बेसिक पर्पस तो यही है ना कि सर हमें ऐसा संविधान बनाना है जहां पर देश के सारे लोगों के पास आजादी रहे, इक्वालिटी रहे, उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो आपका सरकारें हैं वो अपनी
पावर को मिसयूज ना करें जनता पे, इस तरह का संविधान बनाना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए एक रेजोल्यूशन बनाया गया, ठीक है। ये रेजोल्यूशन किसने बनाया था? चाचा नेहरू ने बनाया था, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी ने पेश किया, जो एक डायरेक्शन था कि हमें संविधान किस तरह से बनाना है, कैसा संविधान बनाना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1946 13 दिसंबर को नेहरू जी ने प्रेजेंट किया। ये एक तरीके से मार्गदर्शन करता है कि संविधान में क्या क्या चीजें लिखनी है। फिर इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ ऐड किया, कुछ माइनस किया, और फाइनली क्या बन गया, जो आज के टाइम में आप कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, ठीक है। तो एक जो बेसिक आइडिया था वो नेहरू जी ने दिया था, फिर इसी में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो अंबेडकर जी ने करे, और फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसे आज आप देखते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में तीन सवाल ध्यान रखना। पहली चीज, इसको किसने प्रेजेंट करा था? नेहरू ने प्रेजेंट किया था। दूसरा, किस दिन प्रेजेंट किया था? 13 दिसंबर 1946। तीसरा, इसको अडॉप्ट किस दिन किया गया था, यानी इसको पास किस दिन किया गया था? 22 जनवरी 1947, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था, और यूनैनिमसली इसको अडॉप्ट किया गया। यूनैनिमसली मतलब सर्वसम्मति, सारे लोग इससे एग्री कर रहे थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेकर किसी के मन में कोई डाउट नहीं था, किसी ने इससे डिसएग्री नहीं किया। जितने भी मेंबर थे सबने कहा बढ़िया चीज है, इसी को लगा दो, ठीक है, इसी को कॉपी करके संविधान बना दो। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शेप करने में काफी मददगार साबित होगा। ये था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब इसके अलावा कुछ और भी काम किया गया था असेंबली ने, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं पास किया गया था, और मतलब संविधान बनाने के अलावा और भी कुछ काम किया गया था। वो सारा यहाँ पर आपका लिखा है कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग इसी असेंबली ने अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग भी इसी असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। फिर अब हम बात करते हैं सर इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो आपका देखो सर, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो रही है, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। फिर क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिम्मेदारियां बांट दी गई, कि अलग अलग पार्ट्स है ना सर कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई हाँ, फंडामेंटल राइट्स एक अलग सेक्शन हो गया, यूनियन की क्या पावर रहेंगी, स्टेट की क्या पावर रहेंगी, ट्राइबल राइट्स कैसे रहेंगे। तो जितना भी पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जितना भी बनना था, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया गया, और हर एक पार्ट को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी बना दी गई, ठीक है। हर एक पार्ट को ड्राफ्ट मतलब हर एक पार्ट को लिखने के लिए एक एक कमेटी बना दी गई। अब कितनी कमेटीज थी, उनके चेयरमैन कौन कौन थे, वो उतना आपको डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन इन सबसे बड़ी एक कमेटी थी जिसे कहते थे ड्राफ्टिंग कमेटी। बाकी सारी कमेटीज अपना अपना पार्ट जब लिख के लाएंगी तो वो किसको प्रेजेंट करेंगी? ड्राफ्टिंग कमेटी को। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेके जाएगी, ठीक है ना। यानी सबको जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, और लिख के किसको सबमिट करना है? ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट करना है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनली इसको प्रेजेंट करेगा असेंबली में, फिर असेंबली में उस पर डिस्कशन होंगे, उसके हिसाब से इसमें चेंजेस वगैरह किए जाएंगे। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे सर, वो इम्पोर्टेंट नाम है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे सर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको रट लेना, मान के चलो हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं? द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली जो मेन कमेटी है
वो है ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके अंबेडकर जी क्या है, चेयरमैन। ठीक है सर, तो दैट इज योर ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम मतलब हर साल किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछ लिया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए। फिर ठीक है सर, पूरी कहानी चली, चलता गया, टोटल 11 सेशंस लगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में। ठीक है, कितने सेशंस लगे? टोटल 11 सेशंस लगे, टोटल 11 सेशंस लगेंगे। और टोटल टाइम कितना लगा सर? 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ठीक है, 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, यानी 2 11 18, 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 11 सेशंस लगे, टोटल टाइम कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किस दिन हो गया? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो जाता है। लेकिन अभी ये लागू नहीं होगा, लागू मतलब अभी ये इनेक्ट नहीं होगा, अभी ये पावर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे की भी एक कहानी है। ठीक है, पहले ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आ रही है सर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11 सेशंस लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब सर लागू तो इनेक्ट कब होगा सर? ये होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 इनेक्ट हो गया है सर, अडॉप्ट हो गया 26 नवंबर 1949 को, बट जो इनेक्ट होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। ऐसा क्यों सर? 2 महीने का गैप क्यों सर? वीकेंड हॉलीडे, मतलब सोचा था थोड़ा बहुत काम कर लिया, थोड़ा बहुत चिल मार के आते हैं, गोवा हुआ, फिर वापस से आके इनेक्ट करेंगे, ऐसा था? नहीं सर, ऐसा नहीं था। देखो, 26 नवंबर को अडॉप्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि इसको इनेक्ट 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया, 2 महीने बाद, 2 महीने के बाद का मुहूर्त था? नहीं सर, ऐसा भी नहीं था। इसके पीछे की कहानी है, हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है वो जानते होंगे। ठीक है, बात उन दिनों की है, किन दिनों की? जब हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, 1929, दिसंबर 1929 का टाइम था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था लाहौर में, जिसको कहते हैं लाहौर सेशन। उस लाहौर सेशन का एक प्रेसिडेंट बना, ठीक है, कांग्रेस का एक युवा, एक यूथ पहली बार प्रेसिडेंट बनता है, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, लाहौर सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे, और दिसंबर 1929 का टाइम था। तब उन्होंने कहा था कि देखो भाई, ऐसा है, कैसा है सर, हम अंग्रेजों के लिए कट ऑफ डेट रख देते हैं, और डेट क्या थी सर? 26 जनवरी 1930, कि इस तारीख तक आप हिंदुस्तान को छोड़ दो, और नहीं छोड़ोगे तो पड़े रहो, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपको इग्नोर कर देंगे, हम मानेंगे नहीं कि आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप हमारे रूलर हो। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को हम डिक्लेयर करेंगे पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। तो नेहरू जी ने कह दिया कि भाई 26 जनवरी 1930 भाग सकते हो, भाग जाओ, नहीं तो इस दिन को हम डिक्लेयर करते हैं पूर्ण स्वराज दिवस, इसके बाद हम तुम्हारी बात मानेंगे ही नहीं। तो 26 जनवरी काफी स्पेशल डेट थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनका एक बड़ा मूवमेंट रहा था इस दिन। तो इसी 26 जनवरी को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट किया गया था। ठीक है सर, इस डेट की याद में संविधान को इनैक्ट किस दिन किया गया था सर? 26 जनवरी 1950 को, ऑल दो इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949।
आज भी संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ही मनाते हैं, लेकिन जो रिपब्लिक डे है वो किस दिन मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन गया था, इस दिन हम ब्रिटिशर्स के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो गए थे और हम एक ऐसे देश बन गए थे जो अपनी जनता के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये कहानी थी सर आपका, किसकी, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, ठीक है, अब जो संविधान बन के आया उसमें क्या क्या चीजें थी। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, अडॉप्ट हो गया है, इस किताब में क्या क्या था, क्या इसके कंपोनेंट्स क्या थे, मतलब जैसे आज की अगर हम बात करें, आप कोई भी बुक खरीदते हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी किताब है, तो जैसे कोई भी आप बुक खरीदते हो तो उस बुक का एक शुरू का इंट्रोडक्टरी पेज होता है जिससे पता चलता है इस बुक के बारे में, कि इस बुक में लिखा क्या क्या है, किन किन टॉपिक से ये रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरह से जब संविधान बना तो उसमें एक प्रियम्बल लिखा गया, ठीक है। प्रियम्बल क्या था, बेसिकली समरी था कि हमने संविधान में जो भी लिखा है ये उसकी समरी है कि हमने क्या क्या संविधान में लिखा है। आगे प्रियम्बल के बारे में भी हम बात करेंगे। फिर दूसरी चीज इसमें क्या थी सर, जैसे कोई भी बुक है फिर उसमें आप देखो देखते हो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है सर, पार्ट्स हैं। तो शुरू में कितने पार्ट्स थे सर, 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, तो उन पॉइंट्स को यहाँ पर बोला गया आर्टिकल्स। तो टोटल कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, ठीक है। तो जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनता है तो उसमें एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल्स थे, और कुछ जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जो बार बार मान लो कहीं पर यूज हो रही है तो उसे किताब की एंड में डाल दिया जाता है, काइंड ऑफ जैसे एनेक्सर्स होते हैं बुक में। तो यहाँ पर भी क्या बनाए गए, शेड्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पर संविधान में कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स। अभी ये सारी चीजों की हम डिटेलिंग करेंगे, आगे आपका जो पूरा चैप्टर है वो इन्हीं की डिटेलिंग है, ठीक है। तो जब संविधान बना था, एक प्रियम्बल था, 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल्स थे। फिर क्या हुआ सर, फिर अब क्या है सर, हमारे पास एक आर्टिकल 368 है संविधान में, जिसकी मदद से हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चेंज करते करते अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट संविधान में क्या क्या चीजें गायब हैं या क्या क्या चीजें ऐड हो गई, तो देखो क्या प्रियम्बल है, हाँ जी प्रियम्बल है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है प्रियम्बल में, बट प्रियम्बल आज भी है। पहले 22 पार्ट थे, अब टोटल 25 पार्ट हो गए, ठीक है। पहले 22 पार्ट थे, अब टोटल कितने हो गए, 25 पार्ट। आर्टिकल्स तो सर आई थिंक 475 प्लस आपको मिल ही जाएंगे, है ना, वो तो जल्दी चेंज होते हैं, तो ये आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं कि करंट में कितने, ठीक है। तो जनरली अभी मैंने एक बार काउंट किया था, 475 प्लस आर्टिकल्स थे। शेड्यूल्स सर 8 से बढ़कर कितने हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। शेड्यूल्स 8 से बढ़कर कितने हो गए, 12 हो गए। तो ये था जब संविधान बना था, कंपोजिशन उसका,
और ये आज का कंपोजिशन है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं कि सर जब संविधान बना तो उसमें कितने आर्टिकल थे, जब संविधान बना तो उसमें कितने पार्ट थे, आज कितने पार्ट हैं। तो ये सारे जितना भी कंटेंट लिखा है ये अपने आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब आने वाले लेक्चर्स में आप देखोगे हमें इन्हीं की डिटेलिंग करनी है सर। ठीक है, प्रीएम्बल को पढ़ना है, पार्ट्स को पढ़ना है, आर्टिकल्स को पढ़ना है, शेड्यूल्स को पढ़ना है, वन बाय वन इन्हीं चीजों को हम डिटेलिंग में करते जाएंगे। ठीक है सर, हाँ यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर अगली क्लास में ये हाँ अगली क्लास में शेड्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेड्यूल्स की बात करेंगे। इसमें सर दो चीज इसमें थोड़ी सी बतानी थी। देखो, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट होता है 22 जुलाई 1947, डिजाइन बाय पिंगाली बैंक है, इनको ध्यान रखना। अच्छा, नेशनल फ्लैग में दो तीन चीजें ध्यान रखना। ट्राई कलर फ्लैग है, ठीक है, तो तीन स्ट्रिप्स इक्वल विड्थ की होती है, बीच में अशोक चक्र है। ठीक है, 24 स्पोक्स हैं इसमें, ये सैफ्रॉन वाइट ग्रीन। सैफ्रॉन रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, व्हाइट रिप्रेजेंट करता है पीस को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है एग्रीकल्चर ग्रीनरी फार्मर्स को, और अशोक चक्र भी पीस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसका जो रेशियो होता है, जो फ्लैग है हमारा, उसका रेशियो होता है 3:2। ठीक है, 3:2, इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है, 3:2। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसी तरह से अगर नेशनल एंथम की बात करें, नेशनल एंथम किसने लिखा है सर? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है आपका नेशनल एंथम। नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग कहाँ से लिया गया है? एक नोवल है सर, आनंद मठ। ठीक है, एक नोवल है आनंद मठ, उससे लिया गया है। और ये आनंद मठ किसने लिखी है? ये आनंद मठ लिखी है सर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कह लो या बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है आनंद मठ नोवल, उससे आपका इस एक स्टेंजा लिया गया है, एक हिस्सा, वो हमारा बन गया नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। नेशनल एंथम क्या है? जनगण मन। ठीक है सर, कमिटीज एंड ड्राफ्टिंग कमिटीज में देखो, कमिटीज नहीं याद रखनी है, ड्राफ्टिंग कमेटी बस ध्यान रखो। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे वही पूछता है आपसे। ठीक है, सारी कमिटीज रिपोर्ट करती थी ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो भी वो लिख के लाते थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जमा करते थे, तो ड्राफ्टिंग कमेटी उसको प्रेजेंट करता था असेंबली में। ठीक है, इसलिए ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे बड़ी कमेटी थी उन सारे कमेटीज में। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 12 शेड्यूल्स हैं, वो फिर हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शेड्यूल्स और उसके आगे की कहानी विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, कमेटी भी, मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक कमेटी का काम ही ड्राफ्टिंग का था। हर एक कमेटी को कहा गया कि भाई आप ये पार्ट लिख के लाओ, लेकिन लिखने के बाद वो कहाँ लेके जा रहे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास। ठीक है ना, स्पेसिफिक पार्ट जो है वो कमेटी ही लिख रही है, स्पेसिफिक कमेटी। फिर उसके बाद वो किसको सबमिट कर रहे हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। अब जैसे मान लो आप स्कूल में होते हो, लैब रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है, आपका एक टीचर होता है, वो उसको चेक करता है कि सबमिट करने से पहले। ठीक है, अब इसका मतलब थोड़ी ना वो आपका जो टीचर है वो लिख रहा है, वो तो चेक कर रहा है आपने लिखा क्या है।
ठीक है सर, और कोई डाउट है? हाँ जी सर, और कोई डाउट है? ठीक आप तो सर थक गए, सुबह से क्लास ही क्लास चल रही है, आप थोड़ा रेस्ट मारेंगे, है ना? मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मतलब आप लोगों की सुबह से क्लास चल रही है ना, अब तो थोड़ा थक वक गए होगे। हाँ तो अब जाना, थोड़ा सा आराम करना, फिर उसके बाद रिवीजन करने बैठ जाना, ठीक है सर? चलिए फिर इसके आगे की कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।